हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रश्मि फूड स्टफ। आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ नई रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पे जाके ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी दो प्याजा की रेसिपी। घर के बेसिक सामान से बनकर यह रेडी होता है। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने फूड लाइब्रेरी में इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ले रही हूँ मैं भिंडी। भिंडी को अच्छी तरह से मैंने धो लिया है, पोंछ लिया है। इसमें पानी कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, एकदम सूखा हुआ भिंडी है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले पोर्शन को इस तरह से मैं कट करके हटा देती हूँ। इसी तरह से नीचे वाले पोर्शन को भी हम कट करके हटा देंगे, यानी ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को हमें कट करके हटा देना है। अब भिंडी के दो पीसेस कर देने, क्योंकि इसके पीसेस थोड़े बड़े होते हैं। मैंने देखिए इस तरह से कट कर लिया है। ये सारे भिंडी मैंने कट करके एक प्लेट में निकाल लिया। ये लगभग आधा केजी भिंडी है। भिंडी हमारा कट के रेडी है। अब चलते हैं हम इसे फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल। अब तेल को गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे भिंडी जो हमने काट के रखा हुआ है। ये मैं इसमें भिंडी डाल रही हूँ। भिंडी को करना है हमें फ्राई, ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसे थोड़ा फ्राई करना है। भिंडी हमारा फ्राई हो गया है, ये देखिए थोड़ा कलर भी चेंज हो गया। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 चम्मच तेल। अब इस तेल में मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के प्याज, मैंने इस शेप में काट लिया है। अब इसे डाल देंगे और फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू हाई। यहाँ हमें याद रखिएगा, प्याज को गलाना नहीं है, सिर्फ फ्राई करना है। तो प्याज हमारा देखिए फ्राई हो गया है, और अब इसे उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें मैंने भिंडी निकाला था। प्याज और भिंडी हमारा फ्राई हो गया। अब चलते हैं उसका मसाला बनाने के लिए। तो उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल। तेल हमारा जब गर्म हो जाए तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा। जीरा और अजवाइन को चटकने देते हैं। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्ची। इन सभी चीज़ों को चला लेते हैं हम अच्छी तरह से, और फ्लेम को यहाँ पर मैंने रखा है मीडियम टू लो। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक कटा हुआ। आप यहाँ पे इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ को अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी चॉप्ड अनियन। आप ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने 2 बार अनियन यूज किया है, इसीलिए इसे भिंडी दो प्याजा कहते हैं। एक बार मैंने जो बड़े स्लाइस करके पहले ही तल के निकाला है, और अभी ग्रेवी में प्याज डाला है। इसे अच्छी तरह से हम भून लेते हैं गोल्डन होने तक। फिर इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। मसाला में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर ले रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी। अब इन सभी चीज़ों को हम चला लेते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूँगी पानी, ताकि मसाला हमारा जले नहीं। थोड़ा इसे पानी डाल के इसे अच्छी तरह से चलाते हैं और भूनते हैं। थोड़ा भूनना बहुत ज़रूरी है, ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। प्याज हमारा भुन गया है, यह देखिए। अब हम इसमें और मसाला ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप कश्मीरी लाल मिर्ची भी ले सकते हैं, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। इसे आप स्किप एकदम मत करिएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करती हूँ मैं पानी, क्योंकि मिर्ची जले नहीं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से चला लीजिए, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। मसाला हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर की प्यूरी। इसे अब अच्छी तरह से चला लीजिए। तब तक चलाइए जब तक कि इससे तेल रिलीज़ ना होने लगे। ये देखिए, सारा तेल रिलीज़ हो गया है, यानी हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये प्याज और भिंडी जो मैंने पहले फ्राई किया था। अब इसे डाल के अच्छी तरह से चलाते हैं। यहाँ पे ऐड करूँगी 1 बड़े टमाटर, जिसको मैंने इस तरह के पीसेस में काट लिया है। ये देखिए, बड़े बड़े पीसेस मैंने किए हैं। अब इसे डाल के हम मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमें टमाटर को ज़्यादा गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इतना ही हमें इसे फ्राई करना है। भिंडी तो हमारा ऑलरेडी पहले से ही सॉफ्ट है। ये देखिए, सभी चीज़ हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। सभी चीज़ों का मेजरमेंट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब मैं इसे थोड़ा धनिया पत्ता से गार्निश कर दूंगी। तो लीजिए, ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी दो प्याजा बनके रेडी है। आप इसे पराठा, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं।
तो है ना ये कमाल की रेसिपी, और बनाना भी कितना आसान है, हर कोई इसे बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे घर की चीज़ों से ही बनके रेडी होती है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड।